मैं आपकी अपनी डाइटिशियन आरती भसीन, आपकी हेल्थ कोच एंड डाइट प्लानर। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि फैट लॉस और वेट लॉस सेम होते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो जानते हैं आज इस वीडियो में। वेट जो है वो चार कॉम्पोनेंट्स से बना होता है, वाटर, बोन्स, मसल्स एंड फैट्स। तो जब भी वेट लॉस होता है तो इनका कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन होता है, या तो वाटर एंड फैट लॉस होगा, या सिर्फ वाटर लॉस होगा, या मसल लॉस होंगे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। कई लोग वेट लॉस करने के चक्कर में क्रैश डाइटिंग करते हैं, जिससे मसल लॉस होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, जैसे बीपी, डायबिटीज, थायराइड एट्सेट्रा। तो सिर्फ वेट लॉस ना करें, साथ में फैट लॉस भी करें। तो कभी भी खुद वेट लॉस ना करें, उसके लिए प्रॉपर प्रोफेशनल डाइटिशियन से कंसल्ट करें। मेरे प्लान से आपका वेट लॉस तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका फैट लॉस होता है, इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, जो आपको हेल्थ इश्यूज हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। जो डाइट मैं देती हूँ उससे फैट ब्रेक डाउन होता है, थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं तो एनर्जी लॉस होती है, और आपकी बॉडी फैट से एनर्जी लेती है, जिससे फैट लॉस होता है, बट मसल लॉस जो है, मसल मास जो है वो मेंटेन रहता है, और आपकी इम्यूनिटी जो है और मेटाबॉलिज्म जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। हेल्दी तरीके से फैट लॉस कर सकते हैं और वेट लॉस भी। फैट लॉस में विसरल स्टोरेज और टमी फैट दोनों मेल्ट होते हैं और आपकी बॉडी शेप में आ जाती है। मेल बॉडी में 15-20% ऑफ फैट होना चाहिए और फीमेल बॉडी में 17-25% ऑफ फैट होना चाहिए। वेट लॉस में आप अपने आइडियल वेट तक आना चाहते हैं तो अपनी एज और हाइट से चेक कर सकते हैं। वेट जो आप डाइट और एक्सरसाइज से लॉस कर सकते हैं, और ओवरवेट की वजह से आपको काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि डायबिटीज़, हार्ट अटैक जैसे इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो वेट पर ज़रूर ध्यान दें। वेट लॉस पर सिर्फ रिलायबल ना रहें, इंच लॉस पर भी ध्यान दें। फैट लॉस जो है वो आपकी मशीन पे नज़र नहीं आता है, क्योंकि उसमें आपका इंच लॉस होता है, उससे आपका फेस जो है वो स्लिम हो जाएगा, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाएंगे, जो कि ज़रूरी पैरामीटर्स हैं। वेट लॉस से अगर आप सिर्फ इंच लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो फैट है वो लॉस हो रहा है, और इसका ये भी मतलब है कि आप मसल गेन कर रहे हैं, जो कि मसल का भी वेट उसमें आ सकता है। इसमें मसल गेन होता है तो वेट जो है वो लॉस शो नहीं होता आपकी मशीन में। वेट लॉस को भूल जाएं, वेइंग मशीन को भी भूल जाएं, बस टोन्ड बॉडी पर फोकस करें, और आपको बहुत अच्छा फील होगा और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि फैट लॉस इज बेटर देन वेट लॉस। तो अच्छी हेल्दी डाइट से और एक्सरसाइज से अपना फैट लॉस करें, और अच्छे हेल्दी प्लान्स, डाइट प्लान्स लेने के लिए मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी, और सबसे पहले आप मेरा नेक्स्ट वीडियो भी देख पाएंगे। थैंक यू, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।